आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के ही क्लास में आगे बढ़ते हुए कल अभी तक हमने आपको पढ़ाया रेंट के चैप्टर से और आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट हम आपको बता रहे थे। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट हमने आपको बताया, आज हम आपको बताएंगे डिटरमिनेशन ऑफ रेंट यानी लगान का निर्धारण। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के साधनों को लगान तभी प्राप्त होगा जबकि उनकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार से कम लेस देन परफेक्टली इलास्टिक होती है। इस प्रकार किसी साधन विशेष को कितना लगान प्राप्त होगा ये उस साधन विशेष की पूर्ति पर निर्भर करता है। साधन की पूर्ति की लोच तीन प्रकार की हो सकती है, पहला पूर्णतया लोचदार पूर्ति, दूसरा पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति और तीसरा कम लोचदार पूर्ति। यानी कि आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई और सेकेंड परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई और तीसरा लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे। पहला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई या पूर्णतया लोचदार पूर्ति। किसी साधन उपादान या फैक्टर की पूर्ति पूर्णतया लोचदार उस समय होती है जब एक निश्चित कीमत पर उसकी कितनी ही इकाइयां प्राप्त की जा सकती हैं, अर्थात वो साधन दुर्लभ नहीं होता। ऐसी स्थिति में साधन की वास्तविक आय तथा हस्तांतरण आय बराबर होगी तथा इनका अंतर शून्य होगा। दूसरा पूर्णतया लोचदार पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति या परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। जब किसी साधन की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होती है तो साधन की कीमत में परिवर्तन का उसकी पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात शून्य कीमत पर भी उसकी पूर्ति समान होती है। ऐसी स्थिति में साधन के हस्तांतरण आय या ट्रांसफर अर्निंग यानी TE शून्य होती है, अर्थात तथा साधन की जो भी वास्तविक आय या एक्चुअल अर्निंग या AE होती है वह सारी की सारी लगान होती है। और तीसरा पूर्णतया लोचदार से कम पूर्ति। उत्पादन के किसी साधन की पूर्ति कम लोचदार उस स्थिति में होती है जब उस साधन की मांग में वृद्धि होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में यदि साधन की मांग बढ़ जाती है तो पूर्ति में मांग के बराबर वृद्धि न हो पाने के कारण साधन की वास्तविक आय उसकी स्थानांतरण आय से अधिक हो जाएगी। साधन की वास्तविक आय तथा स्थानांतरण आय के बराबर लगान प्राप्त होता है। यह था डिटरमिनेशन ऑफ रेंट। अब आपके सामने हम आपको एक वो देंगे क्या कहते हैं असाइनमेंट के तौर पर हम आपको देना चाहते हैं और आप उस असाइनमेंट को आप इस तरीके से करिए कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत तथा लगान का आधुनिक सिद्धांत में डिफरेंसेस क्या है इसको आप सारणी के रूप में लिखिए और लिख करके आप हमको बताइए कि उसको लिख करके आप हमें दिखाइए कि किस तरीके से रिकार्डो का लगान सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांतों में क्या डिफरेंस होता है। अब ये एक बात आई, क्या लगान का आधुनिक सिद्धांत रिकार्डो के लगान सिद्धांत का सुधार है या दोनों अलग अलग है? तो उसके ऊपर अगर हम डिस्कस करते हैं तो निसंदेह लगान का आधुनिक सिद्धांत रिकार्डो के लगान सिद्धांत से श्रेष्ठ है, क्योंकि आधुनिक लगान सिद्धांतों ने रिकार्डो के लगान सिद्धांत में कई सुधार किए, जैसा निम्नलिखित तथ्य जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं उससे स्पष्ट होता है। नंबर एक, रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी। रिकार्डो के अनुसार
लगान केवल भूमि के स्वामी को ही प्राप्त होता था, किंतु आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान उपादान के प्रत्येक साधन को प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि लगान साधन की विशिष्टता के कारण उत्पन्न होता है तथा सभी साधन किसी न किसी सीमा तक विशिष्ट होते हैं। इतना अंतर अवश्य है कि भूमि की सारी आय ही लगान कहलाती है, जबकि दूसरे साधनों की आय का एक भाग ही लगान कहा जाता है। और इस प्रकार आधुनिक शास्त्रियों ने रिकार्डो के लगान सिद्धांत का विस्तार किया है। सेकंड, रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर सुधार, इंप्रूवमेंट ओवर रिकार्डियन थ्योरी। लगान के आधुनिक सिद्धांत ने रिकार्डो के लगान सिद्धांत में निम्नलिखित सुधार किए। नंबर एक, लगान का अनुमान। रिकार्डो के अनुसार लगान का अनुमान सीमांत भूमि की उपज तथा सीमांत भूमि की उपज में के अंतर द्वारा लगाया जाता है, यानी कि अनुमान जो है सीमांत भूमि की उपज तथा पूर्व सीमांत भूमि की उपज के अंतर द्वारा लगाया जाता है, किंतु कोई भी भूमि सीमांत भूमि या लगान रहित भूमि नहीं होती। अतः रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार लगान का अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसके विपरीत आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान का अनुमान वास्तविक आय तथा हस्तांतरण आय में अंतर के द्वारा लगाया जाता है। किसी भी साधन का की हस्तांतरण आय का अनुमान आय जा सकता है किसी भी साधन की हस्तांतरण आय का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, लगान उत्पन्न होने के का कारण। लगान के उत्पन्न होने के संबंध में आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया तर्क अधिक उपयुक्त है। रिकार्डो के विचार से लगान भूमि की सीमितता के कारण उत्पन्न होता है। भूमि की सीमित होने के कारण या तो घटिया भूमि पर खेती करनी पड़ती है या उसी भूमि पर अधिक श्रम या पूंजी की इकाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। अच्छी और घटिया मार्जिनल भूमि की उपज का अंतर ही लगान होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान के उत्पन्न होने का अधिक वैज्ञानिक कारण बताया है। उनके अनुसार लगान साधन की विशिष्टता के कारण उत्पन्न होता है। एक साधन जितना अधिक विशिष्ट होगा उससे उतना ही अधिक लगान प्राप्त होगा। भूमि पूर्णतया विशिष्ट है इसलिए उसकी समस्त आय लगान कहलाती है, किंतु उत्पादन के अन्य साधन केवल एक सीमा तक विशिष्ट हैं, इसलिए उनकी आय का एक अंश ही लगान होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण अधिक तर्कसंगत है। तीसरा, लगान तथा कीमत। रिकार्डो के अनुसार लगान कीमत में शामिल नहीं होता और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था की दृष्टि से लगान कीमत में शामिल नहीं होता, किंतु फर्म या उत्पादक की दृष्टि में से समस्त लगान स्थानांतरण आय होने के कारण कीमत में शामिल होता है। इसी प्रकार एक उद्योग की दृष्टि से भी हस्तांतरण आय लगान में शामिल होती है और कीमत को प्रभावित करती है। इस संबंध में रिकार्डो की अपेक्षा आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार ठीक तथा व्यवहारिक हैं। यह आज हमने आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस को बताया कि क्या आधुनिक जो सिद्धांत है वो रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तार है या सुधार है। तो ऐसा हमने आपको ये भी बता दिया। कल से अब हम आपको बताएंगे आभास लगान, क्वेसी रेन, यहां से हम शुरू करेंगे। आज के लिए हम क्लास को यहीं पर हम रोकते हैं।